शांति। अभी अभी हम एक सुंदर गीत सुन रहे थे, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। तो अगर हमने मुस्कुराना सीख लिया और गुनगुनाना सीख लिया तो आज का विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, है ना? ये बात सही। लेकिन जैसे कल भी ये बात चल रही थी कि आज इंसान जो है मुस्कुराना ही भूल गया है, और जो क्रोध है वो एक नेगेटिव इमोशन है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्रोध जो है ये वास्तव में एक नकारात्मक भावना है, और आज यदि किसी से भी पूछा जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्रोध ना आता हो तो शायद ही कोई निकलता है। हाँ, कुछ लोग आपको ऐसे कूल टेम्पर्ड लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को बहुत, उनका बड़ा कूल टेम्परामेंट होता है, लेकिन क्रोध बहुत रूप में है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो ये कहे कि मैं क्रोध से बिल्कुल मुक्त हूँ। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है उसका शिकार हो जाता है। तो आप देखते हैं कि कभी क्रोध इतना आता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे हमारा ध्यान हट जाएगा, और इतना ध्यान हट जाता है कि हमें यह भी नहीं मालूम चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये राइट बात है? इज इट राइट? ये सही है? एंड देन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अंदर ही अंदर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि हमको यही नहीं पता लगता कि हम क्रोध कर क्यों रहे हैं। Why I am angry? I cannot find out the reason. और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, चाहे वो यंगर जेनरेशन हो, चाहे फैमिली फ्रंट हो, चाहे हम अपने वर्क प्लेसेस पर हों, या कहीं हम और इकट्ठी गैदरिंग में हों, तो ये कॉमन हो गया है शाउट करना अपने मित्रों पर, अपने स्पाउस पर, अपने बच्चों पर, या अपने पेरेंट्स पर, या अपने नेबर्स पर। ये बहुत कॉमन फिनोमिना जो है आजकल देखने में आता है। तो इसीलिए हम क्या कहें, वेलकम टू द पार्टी। बाय, बिकॉज यू आर वन अमंग मिलियंस हु आर विक्टिम्स ऑफ दिस मच डिवास्टेटिंग इमोशन विच इज एज गुड एज ए ह्यूमन बॉम्ब रेडी टू एक्सप्लोड एनी टाइम। हम एज एन इंडिविजुअल उस पूरे ग्रुप में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत नुकसान कारक भावना से ग्रसित हैं, उसके शिकार हैं, और ये भावना उतनी ही डेंजरस है जितना कि एक बॉम्ब। क्योंकि ये कॉमन वर्ड आज यूज होता है, ही विल ब्लास्ट ऑन मी, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी, ही और शी विल ब्लास्ट ऑन मी। आप देखिए वोकैबुलरी हम कौन सी यूज करते हैं, बिकॉज क्रोध ये इसके कई रूप हैं, और सबसे खराब में खराब रूप उसका है वो है वॉयलेंस। बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग। एक यंग बॉय था, बहुत गुस्सा आता था उसको, समझ था, ये भी समझ था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे करना नहीं चाहिए। तो उसने एक दिन सोचा, वाई नीड टू टेक द एडवाइस ऑफ ए वाइज पर्सन, किसी अच्छे व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की कुछ राय ली जाए। तो उस व्यक्ति के पास जाता है और उसको जाके कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है,
वो बात कर रहा होता है तो वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जैसे उसकी बात सुनता ही नहीं है, लाइक उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, और उसको अलग अलग प्रकार की कॉन्वर्सेशन में उसे उसको बिजी कर देता है। थोड़ी देर के वार्तालाप के बाद वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उस यंग बॉय से पूछता है कि ओके यू वुड लाइक टू शो मी समथिंग, तुम मुझे अपनी कोई चीज दिखाना चाहते थे। तो वो जो लड़का है वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या दिखाना चाहता था। वो अपने पॉकेट्स में हाथ डालता है, उसकी पॉकेट में से वो रुमाल निकलता है, तो वो कहता है बुद्धिमान व्यक्ति, नहीं ये नहीं, वो जो कुछ भी पॉकेट में उसके था वो निकालता है, वो कहता है ये नहीं, तुम मुझे कुछ और अपनी चीज़ बताना चाहते थे। तो तुरंत उस लड़के को, उस बॉय को ख्याल में आता है और वो कहते हैं हाँ मैं आपको अपने क्रोध के बारे में कहना चाहता था। तो उसने कहा ओके कॉल योर एंगर, अपने जो क्रोध है उसको बुलाओ। तो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ना कोई है, वो मेरे बुलाने पे थोड़ी ना आएगा, वो तो आ जाता है। तो कहते नहीं तुम उसको बुलाओ ना, वो तुम्हारा क्रोध है तुम उसको बुलाओ। तो कहते नहीं वो ऐसे बुलाने से नहीं आता। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि देखो बेटा अगर वो तुम्हारा होता तो वो तुम्हारे बुलाने से आ जाता, अगर वो तुम्हारे बुलाने से नहीं आता है इसका मतलब समझ लो वो तुम्हारा नहीं है। लेकिन आज हमने क्या समझ लिया है, हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं? हमने उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। एंड दिस इज why मैनी पीपल थिंक इट इज नॉट पॉसिबल टू बी एंगर फ्री, एंड देर आर मैनी पीपल हु थिंक इट्स ए पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। थोड़ा सा आप रोब से रहेंगे, जोश से रहेंगे तो लोगों पर आपका रुबाब पड़ेगा, लोग आपको थोड़ा सा अच्छा मानेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, एज द सिस्टर ज्योति हैज आस्क्ड, कैन वी स्टॉप गेटिंग एंग्री? क्या हम क्रोध करना छोड़ सकते हैं? छूटेगा या नहीं छूटेगा ये अलग सवाल है, लेकिन मेरा पहला सवाल आप सभी से ये ऐसा है कि क्या हम क्रोध करना छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं, यस और नो? यस। देखिए आधी प्रॉब्लम तो यही हल हो जाती है, क्योंकि एटलीस्ट हमारी बुद्धि में, हमारे मन में ये बात है कि हम जो है क्रोध करना छोड़ सकते हैं, राइट? अब इसको छोड़ें कैसे? अब दूसरा ये कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं, जिससे पूछूंगी वो जवाब देना, हाथ खड़ा करना। Who makes you angry? तीनों सवाल देखिए, Who can make you angry? आपको क्रोधित कौन करता है? हाथ खड़ा करेंगे, यस यस। सिचुएशन, सिचुएशन आपका कहना, अच्छा और कौन सुनाएगा? हमें कौन क्रोधित करता है? हाँ ब्रदर, हमारी एक्सपेक्टेशंस, अच्छा और कौन क्रोध करता है? हाँ यस सिस्टर, वो चीजें जो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अच्छा और हमारा ईगो, अच्छा और क्रोध कौन लेकर आता है? Assumptions, हमारे अनुमान, अच्छा और भी कुछ है जो पीछे बैठे हैं? यस बोलिए बोलिए, क्रोध क्यों आता है, कौन हमें क्रोधित कर देता है, कौन क्रोध लेकर आता है? यस झूठ, औरों का झूठ बोलना, यस। कई लोग कहते हैं मुझे झूठ से बहुत नफरत है, बाकी सब बातें ठीक है, सामने वाला झूठ बोलता है तो बहुत गुस्सा आता है ना, ऐसा होता है?
There are many honest and sincere people who say like this. लेकिन सही बात कौन सी है? अच्छा, क्रोध तो वो ले आई, सिचुएशन ले आई, झूठ ले आया, अनुमान ले आया, हाँ, जो आपने बहुत सारी अपेक्षाएं ले आई, और आपके क्रोध को कंट्रोल कौन करता है? आपके क्रोध को कंट्रोल कौन करता है? वी आवर सेल्स, सभी यही कहना चाहते हैं. तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, क्रोध लाने वाले भी आप हैं और क्रोध को नियंत्रण करने वाले भी आप ही हैं. परिस्थितियाँ या व्यक्ति या जो अन्य लोगों को हम कभी दोषी समझते हैं कि वो क्रोध लेकर आते हैं, वो हमको क्रोधित करते हैं, वो हमारे गुस्से को लेकर आते हैं, वो हमको भड़काते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. वास्तव में वो क्या है हम आगे सुनेंगे. वो क्रोध लाने वाले नहीं, लेकिन वो कुछ और हैं. अब इस बात को जानने के लिए आप दो बातें क्रोध के बारे में पक्की पक्की याद कर लो, और वो बात कौन सी है? पहली बात ये है, नो वन कैन एवर मेक यू एंग्री. दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो आपको क्रोधी बना सके, सिवाय आपके, राइट? ये पहली बात. क्यों? क्योंकि हम क्रोध, हम ही खुद क्रोध को लेकर आते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण, यही हमको क्रोधित बनाती है. इसीलिए ये मेरी चॉइस है गुस्सा करना या ना करना. आपने बहुत बार देखा होगा, आम तौर से घर में क्या होता है, बच्चा मान लीजिए गलती करता है, ठीक है, घर में पेरेंट्स हैं. अब जो बच्चा गलती कर रहा है तो फादर को जो है उसको कुछ पर ठीक है, वो उसको बहुत लाइटली लेके बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, और जो मदर है उसको बहुत गुस्सा आता है कि उसने क्यों ऐसा किया. सिचुएशन तो सेम थी ना, लेकिन फादर ने उसको डिफरेंट एंगल से लिया और मदर ने, मदर को बहुत गुस्सा आ गया. अपने वैसे शायद दोनों राइट होंगे, लेकिन आप देखते हैं ये हमारी चॉइस है किसी भी परिस्थिति में गुस्सा होना या ना होना. एंड दूसरी बात, एंगर हैज द पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग हार्म दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड. जो क्रोध है ना, उसमें इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि वो चोट आपको पहुंचा सकती है जो कभी भी रिपेयर नहीं होती, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकते. शायद आपने कई ऐसे किस्से पढ़े होंगे और सुने होंगे कि क्रोध में आकर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया कि क्या हुआ. जैसे एक बार एक माँ सब्जी काट रही थी, काटते काटते बच्चा बार बार बीच बीच में इंटरप्ट उसको कर रहा था. माँ ने उस बच्चे को अपने हाथ से ऐसा करना चाहा, तो जैसे उसने ऐसे किया कि उसके हाथ में चाकू था, वो चाकू जाके बच्चे को लग गया. एंड कॉइंसिडेंटली बच्चे को ऐसी जगह लगा कि बच्चा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया. अब बताइए, गुस्सा आया. अब माँ तो अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती है ना, लेकिन वो लॉस ऐसा हुआ जो इररिपेरेबल है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता. इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ ये बात कही जाती है, और कई संत महात्माओं ने ये बात, ऋषि मुनियों ने ये बात कही है कि जहाँ क्रोध होता है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं. और किसी ने क्रोध को किससे कंपेयर किया है, इट्स लाइक फायर. वो एक ऐसी अग्नि है, दूसरों को जलाने से पहले हमें खुद को जलना पड़ता है.
तो आप सोचिए, दूसरे तो बाद में चलेंगे लेकिन पहले तो खुद को चलना पड़ेगा. तो वाई नॉट टू ट्राई टू मैनेज अवर दोज नेगेटिव इमोशंस विच ब्रिंग एंगर एंड इट्स ऑफशूट्स. देखिए, चिड़चिड़ापन, कईयों को आप देखते हैं अंदर ही अंदर क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है तो अंदर ही अंदर मर्मरिंग करते रहते हैं, अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं. इट्स ए पार्ट ऑफ एंगर ओनली. वो मुख से कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन वैसे आप देखेंगे कुछ ना कुछ अपने मन मन में ही वो बोलते रहते हैं. एंड अल्टीमेटली इट इज रिफ्लेक्टेड इन देयर लाइफ एंड मे बी ऑन देयर बॉडी इन एनी ऑफ डिजीज. इसलिए एंगर जो है वो बहुत नुकसान करने की चीज है. नाउ द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, बट व्हाई डू वी गेट एंग्री? जैसे मैंने आपसे पूछा था ये सवाल, आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, प्रैक्टिकल आंसर्स कि एक्सपेक्टेशंस, हमारी अपेक्षाएं इतनी होती हैं, पूरा नहीं हो पाता, सामने वाला व्यक्ति हमारी बात मानता नहीं है, ठीक है, तो हमें क्यों ये गुस्सा आता है? वी एक्सपीरियंस समथिंग दैट वी मे नॉट लाइक और इट इज बैड और वी नेवर एक्सपेक्टेड. देखिए, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, आई एम द हेड ऑफ माई द डिपार्टमेंट, आई एम द बिग बॉस. सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि पीपल शुड एग्री विद मी, बींग आई एम द हेड, राइट? सही बात है ये, क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए जो भी मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं या जो भी मेरे यंगर वंस हैं या जो भी मेरे जूनियर्स हैं, उनको मेरी बात माननी चाहिए, बिकॉज आई एम द अथॉरिटी. लेकिन वो लोग मेरी बात सुनते नहीं हैं तो आई एम बाउंड टू गेट एंग्री, इसलिए मुझे नाराजगी होती है. और फिर हम क्या कहते हैं, ही और शी इज द रीजन वाई आई एम गेटिंग एंग्री. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं वो रीजन नहीं है, दे आर द ट्रिगर्स. हमारे अंदर जो हमारी सोच है, उस सोच ऐसी है, उस सोच ने क्या किया, सिचुएशन हमारे सामने आई, परिस्थिति हमारे सामने आई और वो परिस्थिति ने मेरी सोच के साथ वो मैच हो गई और मुझे गुस्सा आ गया. ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये ट्रिगर जो है, इट कैन बी ए सिचुएशन, इट कैन बी ए पर्सन एंड इट कैन बी एक्सपीरियंस. ये जो क्रोध लाने वाला, जैसे क्या होता है, बहुत बड़ी आग लग गई कहीं, लेकिन वो कैसे लगी, एक छोटा सा बट ऑफ सिगरेट किसी ने कहीं डाल दिया और वो बहुत बड़ी आग में कन्वर्ट हो गया. किसी ने छोटा सा फ्लेम था वो कहीं ऐसी जगह चला गया और उससे आग भड़क गई. सिमिलरली मेरी सोच ऐसी है, मेरा एटीट्यूड ऐसा है, वो सोच मेरी विचारधारा के कारण हमारी परिस्थितियां उससे मैच करती हैं और हमें गुस्सा आता है. इसको ठीक करने की आवश्यकता है. तो मुझे सबसे पहले ये सोचना है, पहली बात मैंने आपको क्या बताई, दो फैक्ट्स, एंगर करना ना करना मेरी चॉइस है. दूसरी बात मैंने क्या बताई, क्रोध दूसरे को नुकसान बाद में पहुंचाएगा, पहले मुझे नुकसान पहुंचाता है. देखिए, एक चिड़िया जो है वो उड़ते उड़ते एक मिरर के पास आकर बैठ गई और उसने क्या देखा कि सामने भी एक चिड़िया बैठी है. उसको नहीं पता है कि ये रिफ्लेक्शन है मेरी खुद की,
तो दूसरी चिड़िया को देख के क्या करती है, उस पर चोंच मारती है जोर से। अब वो तो मिरर है, तो सामने वाली चिड़िया भी उसको चोंच मारती है। अब वो चोंच मारती है, फिर से उसको वो चोंच मारती है, एंड इन द प्रोसेस द स्पैरो हर्ट्स इट्स बीक। ये भूल जाती है कि सामने कोई चिड़िया नहीं है, वो तो मेरी खुद की रिफ्लेक्शन है। इसी प्रकार ये जो क्रोध है, ये दूसरे को तो जब नुकसान पहुंचाएगा तब पहुंचाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान तो मुझे पहुंचाता है। और तीसरी बात मुझे क्या याद रखनी है कि जिन लोगों को, जिन परिस्थितियों को हम दोषी समझते हैं, वो वास्तव में वो दोषी नहीं है। ये मेरी अपनी ही विचारधारा है जिसको मुझे ठीक करने की आवश्यकता है। एंड हाउ दिस एंगर सीक्वेंस गोज, ट्राई टू सी। देखिए ट्रिगर, ट्रिगर क्या हुआ, आपके बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, राइट? आपके जूनियर ने आपकी बात नहीं मानी, फाइन, ठीक है? एनी सिचुएशन यू कैन थिंक ऑफ जिसने आपको गुस्सा दिलवाया, जो आप कह रहे हैं इसके कारण मुझे गुस्सा आया, देन व्हाट हैपेंस? इमीडिएटली मेरे मन में विचार आते हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा क्यों करते हैं, ये मेरी बात को समझते क्यों नहीं है। हॉट थॉट्स, कौन से विचार आए हमारे मन में, वो हॉट थॉट्स। और जैसे ही वो हॉट थॉट्स आएंगे, गुस्सा दिलाने वाले थॉट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, मेरी फीलिंग्स आएंगी, ठीक है? एज यू थिंक सो यू फील, राइट? अच्छा, जैसे मेरी फीलिंग्स होंगी वैसा ही मेरा क्या होगा, व्यवहार होगा, इज इट राइट? अच्छा, अब मैं आपसे एक आपसे सवाल पूछती हूं। हम किस पर चर्चा कर रहे हैं, क्रोध पर। आप सभी यहां बैठे हैं, अभी आप सबको मैं कहती हूं, आपके आज सामने कोई जो बैठा है, आपके आसपास कोई जो बैठा है, तो आप उसको जोर जोर से गुस्सा करना शुरू करो। यस, जो आपके बाजू में बैठा है, आपके साथ में बैठा है, उसको जोर जोर से गुस्सा करना शुरू करो, करिए करिए को जोर जोर से गुस्सा करना। नहीं होता, नहीं होता, नहीं हो रहा है गुस्सा करना, नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी गुस्सा नहीं आ रहा, और गुस्सा करना अच्छा भी नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना गुस्सा करना अच्छा, ठीक है। अभी आपके पास जो बैठा है, अभी उसके साथ जरा हंसिए, हाँ जरा उसके साथ हंसो, हंसो उसको देख के हंसो, हंसिए हंसिए जरा हंसिए। हंसना इजी है या गुस्सा करना इजी है, एट द मोमेंट क्या इजी है, हंसना, हंसना इजी है ना, गुस्सा करना क्या है, बोलिए सभी, मैं सभी से सुनना चाहती, इस समय गुस्सा करना क्या है, डिफिकल्ट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल? इस समय इम्पॉसिबल लग रहा है, डिफिकल्ट भी नहीं, इम्पॉसिबल लग रहा है, और ना केवल इम्पॉसिबल लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा, और हंसने के लिए कहेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि हंसने से हमें एनर्जी मिलती है, और गुस्सा करने से हमारी एनर्जी लीक हो जाती है। आप देखिए, जब हम क्रोधित होते हैं, जब हमें गुस्सा आता है, भले हम अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन वो जस्टिफिकेशन भी रॉन्ग है, क्योंकि गुस्सा करने से हमारे तन और मन पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और जब हमें गुस्सा आता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ, एंड नाउ वी कीप
jumping to the conclusions. हम निष्कर्ष पर पहुंचते और हम क्या बन जाते हैं, आपको मालूम है, हम बहुत बड़े माइंड रीडर्स, थॉट रीडर्स. और थॉट रीडर्स बनके हम दूसरों को लेबल देना शुरू कर देते हैं. कैसे लेबल देते हैं? हाँ, और जैसे वो फॉर्चून टेलर होता है ना, भविष्य वेता, जो भविष्य डिक्लेयर करते हैं किसी का, ऐसे हम भी किसी किसी का भविष्य बताना शुरू कर देते हैं. कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ यू? हम कैसे थॉट रीडर बन जाते हैं, आप में से कोई बताएगा? बहुत माइंड रीडर्स बन जाते हैं. मुझे मालूम है ये हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, इनकी सोच है ही ऐसी. हाँ, ये कभी सुधरेंगे ही नहीं. हमने उनका भविष्य डिक्लेयर कर दिया. आपको किसने कहा है, ये आपको किसने रोल दिया कि आप दूसरे का भविष्य डिक्लेयर कर दो या किसी को लेबल लगा दो? यदि आपको कोई ऐसा लेबल लगा दे तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? लेट मी टेल यू व्हाई, यू नो, ह्यूमन रिलेशंस, यू नो व्हाई दे आर ब्रेकिंग. हम इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, हम इतनी जल्दी अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो बैठते हैं, हम अपने जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ह्यूमन रिलेशंस आर नॉट स्मूथ नाउडेज. बहुत डिफिकल्ट हो गए. और एक कॉमन, एक आप सुनेंगे लोगों से कॉमन वाक्य, आई कांट स्टे विद हर और आई कांट स्टे विद हिम, मुझे इसके साथ अच्छा नहीं लगता है. आई कांट गो अलोंग विद हिम, आई कांट गो अलोंग विद हर. हम थोड़ा सा भी जो हमसे विपरीत है, जो हमारे प्रतिकूल है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है, हम जरा सा भी वहाँ अपने आप को एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते. इज इट राइट? ये हो रहा है. इट्स वेरी कॉमन इवन इन द फैमिलीज. तो अगर मुझे अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना होगा? मैंने आपको क्या कहा था कि क्रोध दिलाने वाला कौन है मुझे? वो मैं खुद हूँ. तो कंट्रोल भी करना है तो मुझे ही करना है. तो अब पहली बात ये पक्की कर लो, आई एम रिस्पॉन्सिबल. कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? बिकॉज आई एम इन चार्ज ऑफ माई ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स. मेरे विचार और मेरी भावनाएं, उसका अधिकार किसके पास है? दूसरे के पास. मेरे मन की लगाम किसके पास है? किसी ने कह दिया, वाह, यू आर ए वेरी गुड ओरेटर, यू हैव ए गुड पर्सनालिटी, यू आर ए वेरी नाइस पर्सन, यू आर ए थॉरो जेंटलमैन, वाह, वेरी गुड, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा. और हमने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा है, राइट? और किसी ने कह दिया, आई डोंट लाइक यूर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, या कुछ उसने ऐसी ही बात और कह दी, तो क्या हुआ? मुझे किसी ने अच्छा कहा या मेरे वर्क को एप्रिशिएट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं हम फूल गए, हमें बड़ी अंदर में प्रशंसा मिली तो हमें बहुत अच्छा लगा. और किसी ने अगर थोड़ा सा मुझे करेक्शन करा दिया तो क्या हो गया? हम दुष्ट हो गए, नाराज हो गए. इसका मतलब मेरे मन की लगाम मेरे हाथ में है या किसी दूसरे के हाथ में है? टेल मी, मेरे मन की लगाम किसके हाथ में है? वो तो मेरे हाथ में है, लेकिन अगर दूसरे के कहने पर
मैं नाराज हो जाता हूँ और दूसरे के कहने पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, तो मेरे मन की लगाम किसके हाथ में है? दूसरे के हाथ में। और आप अपना मालिकपना छोड़ना चाहते हो? कोई अपना मालिकपना छोड़ना चाहता है? तो फिर क्यों हम अपने मन की जो मालिकपना है, उसके जो मैं अधिकार है, उसको हम क्यों छोड़ देते हैं? हम क्यों दूसरों के हाथ में उसकी लगाम दे देते हैं? तो हमें अपने मन में ये पक्का करना होगा, आई ओन माई फीलिंग्स, मेरी फीलिंग्स मेरी अपनी है। और जब गुस्सा आता है, आप अपने से एक सवाल पूछे, इज इट फाइन दैट आई एम फीलिंग एंग्री एट दिस टाइम? अपने से पूछो, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है ना, इस नेगेटिव इमोशंस को मुझे मैनेज करना है ना। पहले मैनेज करेंगे तभी हम उसको दूर कर सकेंगे। हाँ जी, या आई शुड लर्न हाउ टू एक्सप्रेस माई एंगर इन हेल्पफुल वेज बोथ फॉर मी एंड अदर्स। अब इसको हम कैसे करें ये हमें सीखना पड़ेगा। और देखिए, जब क्रोध आता है तो उस समय क्या होता है, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में ही कहा था कि लोगों की कुछ ऐसी मान्यताएं हैं। कैसी मान्यताएं हैं? कि ठीक है, क्रोध तो स्वाभाविक है, हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, ये तो आ ही जाता है, ये तो शुरू से ही होता ही आया है, कौन क्रोध पे जीत प्राप्त कर पाया है, ये तो ऋषि मुनि भी कह गए हैं, और अगर क्रोध नहीं आएगा फिर तो हम गृहस्थी कहलाएंगे ही नहीं, हम तो संसारी व्यक्ति हैं। तो क्रोध आना तो एक कॉमन सी बात है, हम आम तौर से यही लोग समझते हैं, और हम कह देते हैं कि आई हैव नो चॉइस बट टू गेट एंग्री। मान लीजिए बच्चे ने गलत काम किया तो आप क्या कहेंगे, भी देखो बच्चे को समझाना है तो गुस्सा तो दिखाना ही पड़ेगा, अगर नहीं दिखाएंगे तो बच्चा जो है वो और गलत काम करेगा। ऐसे ही अगर मैं कोई मेरी कोई बड़ी पोजीशन है, मेरे सबॉर्डिनेट्स काम नहीं करते हैं, तो मुझे लोगों से काम करवाना है तो काम करवाने के लिए मुझे गुस्सा दिखाना ही पड़ेगा। नम्रता से आजकल दुनिया में काम नहीं चलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम ये कहते हैं हमारी संस्था में, क्योंकि आप सोचिए ये इतनी बड़ी संस्था है, आज इतने सारे इसके ब्रांचेस हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, और यहाँ पर सभी आते हैं, और सभी कहाँ हैं, कोई सब एक कोई ब्लड रिलेशन वाले तो नहीं है, सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं। और हमारी संस्था के जो संस्थापक रहे, और उसके बाद जो हमारी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही, और जो अभी भी हमारी हेड हैं, वो इतने सबको चलाते हैं, आप समझते हैं सबके संस्कार, सबके टेम्परामेंट, सबके स्वभाव कैसे होंगे, सबके अलग अलग। और जब शुरू में 1937 में ये संस्था इस्टैब्लिश हुई, और इस्टैब्लिश होने के बाद जो इनमेट्स आई, जो लगभग यहाँ पर सब आए, वो सब अलग अलग एज ग्रुप था, सब अलग अलग बैकग्राउंड से थे, और उन सबको एक परिवार की तरह चलाना, इट वॉज नॉट ए ईजी जॉब। तो हमारे वो संस्थापक जिनको हम पिताश्री कहते हैं, उन्होंने उनको कैसे चलाया, आप समझते हैं क्या गुस्से से चलाया होगा? इतने लोगों को संभालना, बच्चे बड़े सब उसमें हैं, एंड उसके साथ साथ दुनिया में वो उसको उस समय एक्सेप्टेंस नहीं थी, उस समय लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं थी, उस एनवायरमेंट में इतने लोगों को चलाना, आप सोचिए अगर वो क्रोध से चलाते तो आज ये संस्था होती? नो। जो कार्य हम प्यार से कर सकते हैं वो कार्य क्रोध से नहीं होता है। लेकिन आज हमारे अंदर, आज सभी अपने अपने अंतःकरण में जाके देखें, आप पाएंगे हम सबके अंदर डेफिशिएंसी है। वो किसकी डेफिशिएंसी है? दैट इज ट्रू लव। एंड बिकॉज दैट डेफिशिएंसी इज देयर,
And that's the reason why I get angry very soon. और हम कभी समझते हैं कि अपनों पर ही तो करते हैं. देखिए, मैं मुझे एक बात याद आती है कि ये लाइफ क्या है, ये जीवन क्या है. ये वास्तव में आपने देखा होगा, इट्स लाइक ए वॉकिंग ऑन द टाइट रोप. आपने कभी देखा है, सर्कस में आमतौर से हुआ करता था, और आपने कई ऐसे स्थान देखे होंगे, वो जो टाइट रोप वॉकिंग होती है वो एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली होती है, और उसके दोनों एंड्स जो हैं वो बहुत टाइटली बांध दिए जाते हैं, बहुत टाइट, और उसके ऊपर आपको वॉकिंग करनी है, और वो जो रोप है, वो जो रस्सी है, वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होती है. एंड देन यू हैव टू वॉक ऑन दैट रोड, ऑन दैट रोप. और उस रस्सी पर चलना जो बहुत टाइटली बंधी हुई है, उसके लिए क्या चाहिए? यू नीड द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, है ना. अगर बैलेंसिंग नहीं, क्या होगा? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, उनमें अगर वो बैलेंसिंग नहीं होगा, जिस तरफ आप झुक जाएंगे उस तरफ आप गिर जाएंगे. इसी प्रकार आप देखिए क्या होता है, लाइफ कैसे टाइट रोप वॉकिंग है. मान लीजिए आपको बहुत मीठा खाने का शौक है, ठीक है, और आपको डायबिटीज है. डॉक्टर कहते हैं आपको मीठा नहीं खाना है. आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन योर डिजायर्स एंड डॉक्टर्स एडवाइस, राइट. सही बात है ये. अच्छा, इसी प्रकार मान लीजिए कोई डिस्टर्बिंग सिचुएशन है ऑफिस में. अब आपको जब सिचुएशन एकदम डिस्टर्ब करने वाली है, लेकिन आप एक ऐसी पोजीशन पर हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि अगर मैंने इस समय अपना टेंपर लूज कर लिया तो याद रखना तुम्हारी इमेज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, तो मुझे इस सिचुएशन को बहुत कूलली हैंडल करना पड़ेगा. तो आप क्या करेंगे? मेंटेन ए बैलेंस, राइट. और वही सिचुएशन यदि घर में होती तो क्या होता? वही सिचुएशन यदि डिस्टर्बिंग सिचुएशन घर में होती तो क्या होता? क्या होता बोलिए, सब हंस रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे, क्या होता? बस्ट आउट. ओके, वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड. अपनों पर तो गुस्सा कर सकते हैं ना, और या फिर हमने ये सोच ही लिया है कि जब ये गलत कर रहे हैं तो गुस्सा तो करना ही चाहिए ना. बट इट इज रॉन्ग. तो हमारे मन में ये जो मान्यताएं है ना बहुत सारी, कि क्रोध करना तो ये स्वाभाविक बात है, ये गलत है. जितना आप प्यार से किसी को हैंडल कर सकते हैं, उतना आप क्रोध से किसी को हैंडल नहीं कर सकते. ना लुक एट दिस इमेज ऑन द स्लाइड. आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, अच्छा, आपको एक एक बताओ क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलो जो सुनाई दे. ओल्ड कपल दिखाई दे रहा है. अच्छा, और क्या दिखाई दे रहा है? समवन प्लेइंग गिटार. अच्छा, और भी किसी को कुछ दिखाई दे रहा है? किसी को बोलने दो, दूसरों को थोड़ा और बोले, पीछे वाले क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, खड़े होके बोलो थोड़ा. अच्छा, सिर किसने सिर पे हाथ रखे हुए हैं? यस, क्या कहा? अच्छा, ओके, फाइन. ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन एक्सप्रेसिंग लव टू ईच अदर. यस ब्रदर, आप क्या बोल रहे थे? सेम थिंग. अच्छा, और किसी को क्या दिखाई दे रहा है? यस ब्रदर, बोलिए. अच्छा, दो बैठे, एक के हाथ में गिटार है. अच्छा, और भी कुछ दिखाई दे रहा है? यस. ओके, फाइन. तो व्हाट इज दिस?
देखिए आप अगर ऐसे ही देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन, राइट। और दूसरी ओर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक के हाथ में गिटार है और एक ने अपने दोनों हाथ अपने जो सिर पे उसने पगड़ी जैसा रखा हुआ उसके ऊपर रखे हुए। इट्स ए ऑप्टिकल इल्यूजन, राइट। लाइक द ऑप्टिकल इल्यूजन वी कैन सी वन थिंग एट फर्स्ट ग्लांस बट अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शन इट बिकम्स क्लियर इट इज मिसलीडिंग। आप देखिए चित्र आपने देखा क्या हुआ, ऑप्टिकल इल्यूजन है ना, कभी कुछ दिखाई देता है कभी कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही जब हमको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये मुझे क्रोध दिला रहा है, ये भी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह से है। जब आप बहुत नज़दीक से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ अगर हम क्रोध नहीं करते थे दैट वुड हैव बीन बेटर, ऐसा आपको दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और हम क्या समझते हैं, जब हमें क्रोध आता है तो क्या होता है, हमारी मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है। आपने देखा जब प्लेन उड़ते हैं तो उसमें केवल पायलट तो होता ही है लेकिन एक सिस्टम होता है जिसको ऑटो पायलट सिस्टम कहते हैं। एक बार प्लेन अगर स्टार्ट हो गया तो वो चलता रहता है। जो लोग एयरप्लेन की इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे उनको ये बात ज़रूर मालूम होगी। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हमने अपने मन को ऐसा बना दिया है कि वो बार बार ऑटो पायलट की तरह से उसी प्रकार की थिंकिंग, उसी प्रकार की फीलिंग्स और उसी प्रकार के एक्शन करता ही रहता है। वी नेवर अलाउ अवर माइंड टू चेंज। आप में से कौन ऐसा है कि जब आपने जन्म लिया था तो क्रोध करते जन्म लिया था, कोई है? या कोई मदर ऐसी है कि उसके बच्चे ने जन्म लिया तो क्रोध करते हुए जन्म लिया, है कोई ऐसा? इसका मतलब क्या हुआ, क्रोध करना मैंने सीखा है, ठीक है, ठीक है ना। आप जोर जोर से बोलते हुए पैदा हुए थे क्या? नहीं ना, क्रोध करना मैंने सीखा। अगर क्रोध करना मैंने सीखा है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्रोध करना ना सीखूं, मैं क्रोध ना करूं, ये भी तो मैं सीख सकता हूं ना, राइट। इफ एंगर इज लर्न्ड देयरफॉर इट कैन बी अनलर्न्ड। ये केवल अपने आप को बताने की जरूरत है कि इट इज समथिंग विच आई हैव एक्वायर्ड। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने जन्म लेने के बाद एज आई ग्रो, जैसे जैसे हम बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस आते गए। और अगर मैंने ये नेगेटिव इमोशंस एक्वायर किए हैं तो इनके ऊपर जीत प्राप्त करना ये भी हम कर सकते हैं, ये हमारे अंदर ही कैपेबिलिटी है। इसीलिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको याद रखिएगा हमेशा, डोंट रिप्रेस, डोंट सप्रेस एंड डोंट एक्सप्रेस व्हाट इज लेफ्ट, ट्रांसफॉर्म। अपने को सप्रेस भी मत कीजिए, दबाइए मत अपनी फीलिंग्स को, वो तो एक्सप्रेस करने से भी ज़्यादा खतरनाक है, याद रखिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुख से बोलते नहीं हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं और फिर प्रेशर कुकर की तरह उनका ब्लास्ट होता है एक दिन। इसलिए अपने आप को सप्रेस मत कीजिए। और उसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है, आप अपने अंदर प्यार की शक्ति को, प्योर लव, सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव, स्पिरिचुअल लव, उस प्यार की शक्ति को, स्नेह की शक्ति को बढ़ाइए। और जो अपना क्रोध है वो धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा, इसको बदलना कहते हैं। और अगर आपके स्नेह की शक्ति बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर सहन करने की और समाने की शक्ति आएगी।
ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, स्नेह कभी भी कुछ मांगता नहीं है, स्नेह हमेशा देता है, वो मांगता नहीं है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के, जो कभी मन में क्रोध उत्पन्न होता है, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपने अपनी भावनाओं को दबाइए मत। और उसके कई तरीके सिखाए जाते हैं, कई बातें बताई जाती हैं। जैसे कोई कहते हैं वहाँ से आप चले जाइए, मान लीजिए अभी आप अपने, आपको मालूम चल रहा है कि मैं एकदम बस्ट आउट हो जाऊँगा, ट्राई टू इग्नोर, वहाँ से आप किनारा कर लीजिए, एक तरीका है। और भी कई तरीके हैं, वो हम आपको आप बाद में शेयर करेंगे। और उस समय करने के लिए, जब आपको गुस्सा आता है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप को कूल थॉट्स दे अपने आप को बहुत शीतलता अपने मन में लेकर आनी है। और वो शीतलता क्या हो सकती है, आई कैन एग्री टू डिसएग्री, इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू, इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू, यस और नो, ओके, कैन वी एग्री टू डिसएग्री। मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, ठीक है, मेरा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, फाइन, सब लोग मेरे से सहमत हो रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो मुझसे सहमत नहीं है, और वो इस कदर बात बोल रहा है कि मुझे उसमें क्रोध आ सकता है, आने की संभावना है, तो क्या मैं उस समय अपने क्रोध को शांत कर सकता हूं? सोचो, आई क्रिएटेड ए सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ यू, मैं एक मीटिंग में बैठा हूं, मेरा इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, सब लोग मुझसे सहमत हैं, एक व्यक्ति असहमत है, और वो इस कदर असहमत है, सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो क्या मैं उस समय अपने क्रोध को शांत कर सकता हूँ? एग्री टू डिसएग्री। ये एक आर्ट है जो आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज से आती है। इट हैपन्स बट कम्स विथ प्रैक्टिस, बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम अभ्यास करते हैं, एंड देर आर मैनी मैनी इन अवर ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन हु आर एबल टू डू दिस। हमें अपने मन को सिखाना होता है, जस्ट एज लॉन्ग एज आई कीप माई कूल आई एम इन कंट्रोल। अगर मैं अपने उन अपनी जो शीतलता को मैं बनाए रख सकूं, तब तक मैं वो जो एग्रेसिव इमोशंस मन में या एग्रेसिव रिएक्शंस जो आ रहे हैं, मैं उस पर अपना नियंत्रण रख सकता हूँ। एंड आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस ए बिग डील, ठीक है ना, नहीं मानता तो नहीं माने, ओके फाइन, इट्स ओके, इट्स नॉट ए बिग डील, सभी तो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे ना, सभी तो मेरे जैसे नहीं हो सकते हैं ना, इट्स नॉट ए बिग डील। बट नॉर्मली क्या होता है, वी मेक इट ए प्रेस्टिज इशू, वी बिकम बायस्ड, वी फील प्रेजुडिस्ड, अवर ईगो इज हर्ट, एंड दिस इज वाई वी रिएक्ट। तो मुझे अपने मन को बहुत अच्छी थॉट्स देके मुझे सिखाना होगा। आई विल कम टू यू। तो काम डाउन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट टेक ए चिल पिल, हाँ, अपने आप को एक शीतलता की टैबलेट खिला दूं, हाँ, वो शीतलता की टैबलेट कौन सी हो सकती है, हाँ, अकॉर्डिंग टू मेडिटेशन देयर कैन बी मैनी चिल पिल्स, बट एट दैट टाइम यू कैन डू वन थिंग, आप करके देखिए, बस ये एक मोमेंट की बात है, मे बी सम सेकेंड्स, करके देखना आप। एंड मैनी ए टाइम्स हमने बहुतों को ये कराया है, एंड ऑल दिस व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, दीज आर एक्सपीरियंसेस,
और वो चिल पिल उस समय मुझे कौन सी लेनी है, अपने आप को कहो, राइट? अपने आप को क्या कहो? व्हाट्स योर नेम मैम? हाँ, पूर्व, अपूर्वा, पूर्वा, ओके, आपका नाम पूर्वा है, ठीक है। अभी गुस्सा आ रहा है मुझे, सिचुएशन ऐसी है, और या कोई व्यक्ति ऐसा सामने है, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और मालूम चल रहा है कि अगर मैं गुस्सा करूंगी तो मुझे और भी खराब हो जाएगी सिचुएशन, या अपने ही हित के लिए अपने आप को जस्ट फॉर ए फ्यू सेकेंड्स विदड्रॉ, मे बी क्लोज योर आईज एंड से टू योर सेल्फ, अपूर्वा रिलैक्स, से 3 times। अपने नाम को खुद ही पुकार के अपने आप को ही कहो अपने मन में, रिलैक्स। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि उस समय दूसरा कुछ काम नहीं करेगा। अपने आप को पहले रिलैक्स करने की कोशिश करो। गलती किसी ने की और आराम हम अपना खो देते हैं, है ना, ऐसा ही होता है। कहा किसी ने कुछ, भूख हमारी खत्म हो जाती है, खाना अच्छा नहीं लगता, दोषी कोई और है, नींद हमारी खत्म हो जाती है, वाई। इसीलिए जब ऐसी सिचुएशंस, ऐसा व्यक्ति सामने आता है, मैं आपको ये 100% कहती हूं कि अगर आप उसी समय किसी भी जगह पर आप हैं, चाहे आप अपने प्रोफेशनल प्लेसेस पर हैं, किसी भी इम्पॉर्टेंट प्लेस पर हैं, किसी मीटिंग में हैं, आप अपने आप को इंटरनली ए फ्यू सेकेंड्स के लिए विड्रॉ करके कह सकते हैं, इवन नॉट क्लोजिंग योर आईज यू कैन से टू योर सेल्फ, रिलैक्स। आप करके देखना, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, अगर थोड़ा वक्त आपके सामने है तो आप किसी भी अच्छे से सीन को, अच्छे से दृश्य को अपने सामने ले आइए। कोई भी नेचुरल सीन जो आपने कभी देखा होगा, या कोई आप विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसे सीन को लाते हुए आप जो है अपने आप को रिलैक्स कीजिए और कहिए अपने आप को, टेक इट इजी, इट्स नॉट ए बिग डील, सब ठीक हो जाएगा। एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, पॉज ए व्हाइल, जस्ट गिव ए पॉज। देखिए हमारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक पॉज बटन होता है, वो बटन दबाया तो वहीं पर रुक जाता है। तो ऐसे पॉज बटन मैंने दबा दिया और अपने आप से पूछो, इज इट वर्थ टू बिकम एंग्री एंड पिक अप ए फाइट, और इज इट बेटर टू बी साइलेंट। मुझे समझाने में वक्त लग रहा है, बोलने में मुझे समय लग रहा है, लेकिन ये कुछ फ्यू सेकेंड्स की बात है। तो यदि हम इस तरह के मेथड अपनाते हैं, तो जो आज हमारे ही भावनाएं हमको ही नुकसान पहुंचा रही हैं, वही हमारी भावनाएं हमको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, और हमारे बहुत सारे जो बिगड़ते हुए काम हैं, उन बिगड़ते हुए काम को वो बनाने का काम कर सकते हैं। इसलिए इन पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। सो नो मोर एंगर इज ए जर्नी फ्रॉम एंगर टू पीस टू फॉरगिवनेस। नॉट ओनली दिस कि मुझे सप्रेस नहीं करना है, केवल ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन ये कौन सी यात्रा है, ये वो यात्रा है जो मुझे क्या करेगी, परिवर्तन से पीस की ओर और पीस से फॉरगिवनेस की ओर ले जाएगी। मीन्स मुझे क्या करना होगा, ना केवल उस व्यक्ति को जो मुझे लग रहा है या जो मेरे लिए गुस्सा आने का एक ट्रिगर का काम कर रहा है, उस व्यक्ति को केवल एक अलग रूप से देखना है या मुझे उससे अपने आप को डिटैच करना है, लेकिन मुझे उसको माफ कर देना है। आपके कई सवाल होंगे, अभी किसी ने हाथ भी खड़ा किया, लेट मी कंप्लीट इन ए फ्यू मिनट्स, देन आई आस्क यू इफ देर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। जब तक आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे,
याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपके मन, आपके रास्ते में रुकावटें लाता है, जिसके कारण हमें गुस्सा आता है। आप बड़े अच्छे बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा आपका जॉब चल रहा था, आपका घर बहुत अच्छा चल रहा था, किसी ने आके रुकावटें डाल दी, सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो गुस्सा तो आना स्वाभाविक है ना, ये हम कह देते हैं। लेकिन मुझे कैसे उस व्यक्ति को माफ कर देना, और वो माफ कर देना उसके लिए हितकारी नहीं, मेरे लिए हितकारी है, क्योंकि मेरा मन अदरवाइज उसके बारे में ही सोच सोच के बार बार दूषित होता रहेगा और वो और नुकसान पहुंचाएगा। सो बाई फॉरगिविंग द पीपल हु हैव एंगर्ड अस इज ए ग्रेट वे टू शो देम दैट वी आर नॉट एंग्री एनी मोर। हम उनको ये बताना चाहते हैं, हम माफ जब कर देते हैं, हम आपसे गुस्सा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डू नॉट एक्सपेक्ट दैट द अदर पीपल विल फॉलो अवर एग्जाम्पल। मैंने माफ कर दिया तो इसको भी तो मुझे माफ कर देना चाहिए ना, मैं तो भूल गई, परंतु ये तो भूला ही नहीं, मुझे बार बार वही कहता रहता है। नहीं, आई हैव टू लुक एट माई सेल्फ। आपने अभी तक जो भी सुना, आज सवेरे भी आप सुन रहे थे जब सेशन चल रहा था, कि सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, तो मुझे दूसरों से ये अपेक्षा नहीं रखनी है कि ये बदले। सो नो मोर एंगर, इट्स ए इमोशनल मैच्योरिटी। समझा, ये भावनात्मक परिपक्वता है, इट्स ए साइन ऑफ विजडम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो शांत रहना ज्यादा पसंद करेगा। और दूसरी जो मैंने आपको पहली जो बताई, चिल रहने का तरीका, पहला टैबलेट कौन सा बताया, रिलैक्स, टेक इट इजी। दूसरी मैं आपको बताती हूँ, आई एम पीस, दिस इज सेकेंड पिल, ये दूसरी टैबलेट है इसके। मैं कौन हूँ, आज कौन सा लेसन सुना आपने, मॉर्निंग में सुना ना, कि व्हाट इज माई ओरिजिनल नेचर। आपने अभी क्या कहा, मैंने आपको कहा गुस्सा करो तो गुस्सा आया ही नहीं, जब मैंने आपको कहा कि ज़रा हंसो तो भले कुछ लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे अपने आप को, लेकिन फिर भी हंसना हमारे लिए इजी हुआ। ठीक है, तो ये जो पीस है ये मेरा ओरिजिनल गुण है। तो हु एम आई, आई एम पीस, ये सेकंड हमारी पिल है। एंड थर्ड चिल पिल इज आई एम लव, प्योर लव। ये तीन चीजें याद रखिए और ये इनको आप लेते रहिए टाइम एंड अगेन। जितना लेंगे उतना आपको फायदा होगा, ज्यादा लेने से नुकसान नहीं है, नो साइड इफेक्ट। इसीलिए अगर हमें इस जर्नी को, अपनी जर्नी को सेफ, अपनी जर्नी को स्मूथ, अपनी जर्नी को जॉयफुल, पीसफुल बनाना है, तो ये जो हमारा क्रोध का स्वभाव है, इसको मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करते 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 इसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है। कई लोग कहते हैं कि इतना समय हो गया, अब तक भी हमारा क्रोध नहीं गया, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप सोचेंगे वो एकदम से चला जाए, ऐसा नहीं होता है। पता नहीं उसको आने में वो कितना डीप रूटेड है, ये तो हमें मालूम नहीं है। वो जितना ज़्यादा डीप रूटेड होगा उतना ही ज़्यादा वो समय लेगा, उससे कहीं ज़्यादा आपको अपने अंदर स्नेह लाना होगा। देखिए वो होता है ना बैलेंस, बैलेंस में दो पैन्स होते हैं ना, अब एक पैन में 10 किलो वजन रखा है हमने, अब जो दूसरा पैन है अगर मुझे उसको ऊपर लाना है और इसको नीचे लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे पैन में
10 किलो से ज्यादा वजन रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे इसको क्रोध को शांत करना है तो मुझे अपने अंदर इतनी शांति और इतना वो सच्चा स्नेह लाना होगा जिससे ऑटोमेटिकली ये जो क्रोध की फीलिंग्स हैं, जो हमारे क्रोध के थॉट्स मन में आते हैं, जो हॉट थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स जो हैं अपने आप रिड्यूस होते चले जाएंगे। एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न रिलैक्सेशन टेक्निक्स। उसमें बहुतों का रोल है, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो आपको सवेरे यहाँ पर सिखाई जाती हैं, वैसे भी लोग जानते हैं, परंतु अबव ऑल इज मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं राजयोग। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल अवर एंगर एंड इट इज वेरी इसेंशियल। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो अभ्यास करने से क्या होगा, जितना हम इसका अभ्यास करते जाएंगे हमारे अंदर जो हमारी ओरिजिनलिटी है, वो लव और वो पीस, वो अभी लेटेंट फॉर्म में पड़े हैं और उनको मुझे इमर्ज करना है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आप नींबू पानी बनाते हैं और उसके अंदर आप शुगर डालते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर उसके अंदर डाल देते हैं, तो क्या होता है, आपने उसको हिलाया नहीं लेकिन उसको ऐसे ही डाल दिया, तो क्या होगा, वो नीचे ही सेटल हुआ पड़ा रहेगा। और जैसे ही आप उसको चम्मच से हिलाना शुरू करते हैं तो जो वो काली मिर्च जो हमने ब्लैक पेपर डाली थी और वो चीनी थी, वो घुलनी शुरू हो जाती है और वो उसके साथ पानी के साथ मिक्स हो जाती है और जो ब्लैक पेपर है उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स वो सब सरफेस पे आने शुरू हो जाते हैं। राइट, द सेम वे द मोर आई प्रैक्टिस मेडिटेशन द मोर माई ओन क्वालिटीज लव पीस जॉय ब्लिस हैप्पीनेस पावर ऑल दिस बिगिन टू इमर्ज इन माई डे टू डे लाइफ। और अगर मुझे डे टू डे लाइफ में जॉय को एक्सपीरियंस करना है, पीस को एक्सपीरियंस करना है, तो मुझे एवरी डे इसका प्रैक्टिस करना होगा। सो सिंपल, सिंपल लॉजिक। आप रोज खुश रहना चाहते हैं, रोज मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए, ठीक है ना। कोई लोग जो जैसे स्पोर्ट्स के प्लेयर होते हैं उनको मजा आता है तो रोज प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली अगर आप रोज खुश रहना चाहते हैं, रोज जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, अपनी जर्नी को अच्छा बनाना चाहते हैं, रोज प्रैक्टिस कीजिए। तो लेट अस प्रैक्टिस जस्ट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, जस्ट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। आपका अगला सेशन मेडिटेशन का ही है लेकिन मैं आपको इस इनर जर्नी पर 2-3 मिनट के लिए ले जाना चाहती हूँ। जस्ट सिट कंफर्टेबल, मेंटली रिलैक्स्ड, डोंट लीन योर बैक्स ऑन द चेयर, सीधे होके बैठे एकदम स्ट्रेट। Just disconnect your mental links. From all around. Focus your thought energy in the middle of the forehead. मस्तक का मध्य जहां मेरा स्थान, टर्न इनवर्ड, अपने भीतर की ओर चले जाओ। ट्राई टू सी साउथ, try to visualize yourself like a small dot of powerful energy
सबकॉन्शियस एनर्जी जिसको हम आत्मा कहते हैं, प्योर शुद्ध निर्मल पवित्र, मैं शांत स्वरूप हूं सो पीसफुल, दैट आई एम फुल ऑफ जॉय, ऐसी शांति जिसमें सुख है, संतोष है, शक्ति है, पीस मेरा गुण है, पीस मेरी शक्ति है, इट्स माय स्ट्रेंथ, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स फोकस ऑन दिस थॉट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम ए बीइंग ऑफ पीस, इसी थॉट को मन में समाते हुए Now come back. वापिस आ जाओ, उस एनर्जी को महसूस करो जो मुझे शांति से मिलती है, आप सबको कैसा लगा? Now come back, yes. आप सबको कैसा लगा? कितने मिनट किया होगा पता लगा? टाइम कॉन्शियस थे? नहीं थे तो ये हम कर सकते हैं ना? आप ये जो प्रैक्टिस है अपनी दिनचर्या में बार बार कीजिए, और जितना आप करेंगे उतना आपको फायदा होगा, एंड देन यू आर नो मोर ए एंगर बॉम, है ना? कीप स्माइलिंग, आपको ये लेसन कल से ही मिल रहे हैं, कीप स्माइलिंग देन एंड वेलकम टू द एंगर फ्री वर्ल्ड। जिस संसार में आप बैठे हैं ये एंगर फ्री वर्ल्ड है, तो ऐसा ही हमारा परिवार, ऐसा ही हमारा व्यवहार, और ऐसा ही हमारा व्यापार, ऐसा ही हमारा वर्क प्लेस हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। ओके, थैंक यू एंड ओम शांति। इनका एक सवाल था पहले। हाँ हाँ बोलिए ब्रदर। हाँ हाँ जी, दो सवाल है मेरे। फर्स्ट वन इज वी गेट एंग्री यूजुअली बिकॉज यू सेड के there are some people who may differ from you and let it be if they think differently. Now the thing is, usually when we are with our children we care for them, and if we feel that what they are doing is wrong and we try to explain and they don't agree, that's usually the time parents get angry. So isko hum kaise manage kare, that is my first question. Okay, and my second question is that usually
our logical mind, our conscious mind knows that anger is bad for us. But yet, there are these triggers and the unconscious mind ke upar control nahi rehta hai. And that's when we get angry. So how do we change that situation? Okay, fine. अच्छा आपका सवाल क्या है ब्रदर? अगर मैचिंग होगा तो मैं जवाब दूंगी. हाँ दीदी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एंगर हमेशा अपने से कमजोर आदमी पर ही आता है या कमजोर के ऊपर ही आता है, अपने से ताकतवर के ऊपर नहीं आ सकता? हाँ. उसको मालूम है कि किसी अपने से ताकतवर के ऊपर करेंगे हाँ. तो फिर वो हमारे ऊपर आ जाएगा. फिर मेरा बचाव फिर मेरा बचाव. तो हमेशा एंगर जो है वो हर इंसान जो है वो अपने कमजोर के ऊपर ही कर सकता है, अपने से ताकतवर के ऊपर करना बहुत डिफिकल्ट काम है. एंगर तो एंगर ही है, एंगर तो, लेकिन वो जो आपने बताया कि अंदर ही अंदर घुटन हो जाती है और वो एक बॉम्ब बन जाता है और पता नहीं कैसे फटता है, वो अपने आप को ही खत्म करेगा या कि वो सामने वाले को खत्म करेगा. तो ये आपने दो बातें बताई, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने को अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है, दूसरे के हाथ नहीं देना है. लेकिन यूजुअली जो है एंगर जो है ना अपने से ताकतवर के ऊपर जल्दी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि उसको समझ है कि ये एंगर आने के बाद तो फिर मेरे को कितना भुगतना पड़ेगा, तो वो उसके लिए तैयार नहीं है. हाँ, कमजोर के ऊपर आपने पीएन के ऊपर कर दिया, आपने बच्चों पर कर दिया, आपने आपने किसी के वाइफ के ऊपर कर दिया, और अगर वाइफ आपसे ज्यादा तेज है तो फिर आप ठीक है. बहुत अच्छा, आप सभी समझदार बैठे हैं, समझते हैं, लेकिन इनका बड़ा एक जेन्युइन क्वेश्चन है. कि बच्चे अभी बीइंग पेरेंट्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर चिल्ड्रन, ठीक है. और आजकल का जो संगत है, जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में आज पूरा सब कुछ है ना, सारा पूरा दुनिया उसके हाथ में है, थ्रू मोबाइल कुछ भी कर सकते हैं. बच्चों का भविष्य पेरेंट्स की एक सोच में होता है कि उनका भविष्य क्या होगा. बच्चों को समझाते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है, वो जो पेरेंट्स कह रहे हैं उस पर वो एग्री नहीं करते. तो उस समय क्रोध करना या उनसे डिसएग्री करना ये स्वाभाविक है. हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन, एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है. एंड सेम टाइप ऑफ थिंग, जैसे कई बार क्या होता है जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का सवाल होता है, जैसे एम्प्लॉयज सुनते नहीं है, मैनेजमेंट को बड़ी दिक्कत होती है, तो क्या वो किस तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन ले, क्या करें? तो देखिए, इसमें जो हैंडल करने की, यहाँ जो मैंने शब्द यूज किया हैंडल करना, ये खाली एक ही बार से नहीं होता है. आपको अपने बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत एक अलग तरीके का बनाना होगा. क्योंकि नॉर्मली आज हम उस सोसाइटी में जी रहे हैं, क्योंकि आज सब जगह थ्रू मीडिया सब कुछ पहुंच चुका है, और आजकल ऐसी लाइफ हो गई है बोथ पेरेंट्स वर्किंग. अच्छा, पेरेंट्स क्यों वर्क करते हैं? कहते हैं बच्चों के लिए करते हैं. ठीक है, बात तो ठीक है, बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन जो बच्चों को समय दिया जाना चाहिए वो समय नहीं दे पाते हैं. और बच्चे अपने आप को, अपने पेरेंट्स को हर बात बताने में फ्री फील नहीं कर रहे हैं. उनसे कभी गलतियां भी होती हैं, नो डाउट, वो रियल गलतियां होती हैं, रियल मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन वो अपने आप को, वो उनको डर लगता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो हमें डांट पड़ेगी, या ये होगा या वो होगा, या पेरेंट्स नाराज होंगे या ये होगा. तो हमारा कम्युनिकेशन इस प्रकार का होना चाहिए सो दैट चिल्ड्रन शुड फील फ्री टू टॉक टू देयर पेरेंट्स. मुझे एक बात ऐसी लगती है, बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है. आज हमको ऐसा लगता है कि हमारे गैप्स क्रिएट हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो गैप्स जो हैं इस तरह की सिचुएशंस को लेकर आ रहे हैं. आपने सुना होगा, पढ़ा होगा. आप देखिए, ये कुछ समझती हूँ, लगभग शायद एक महीना होने को आया है कि दोनों
हस्बैंड वाइफ दोनों ही आईएएस हैं और उनके 18 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ठीक है? आप सोचो वो क्यों हुआ? दोनों ही तो बच्चे, दोनों ही तो पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, लेकिन बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स को थोड़ा, बच्चों को इस तरह का उनके अंदर अपना कॉन्फिडेंस उनके अंदर लाना चाहिए कि अगर बच्चे गलती भी करते हैं, ठीक है बेटा, अगर आपसे कुछ हो भी गया, यू कम एंड टेल अस। ऐसा आपको माहौल, अपना एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना होगा। और कभी कभी उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस समय सबसे ज्यादा आपको ही चिल पिल खानी पड़ेगी, बच्चों को नहीं कह सकते। बहुत आपको केयरफुली उनको हैंडल करना पड़ता है, तभी आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा एक कहना है आपको। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम समझते हैं, लॉजिकल माइंड मुझे कहता है कि यू आर रॉन्ग, डोंट डू दिस, वो मुझे बार बार रोक रहा है करने के लिए, लेकिन मेरा सब कॉन्शियस माइंड पर इतना हावी हो जाता है कि आई रिएक्ट। व्हाट डज दिस शो? लैक ऑफ स्ट्रेंथ। अंदर में अगर मेरे इतनी शक्ति हो, इतनी ताकत हो, तो मैं अपने सब कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड पर हावी नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, अभ्यास, इसमें हमें अभ्यास चाहिए। और ये अभ्यास तभी होता है जब हमारी बुद्धि में ज्ञान होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में ज्ञान और योग दोनों चीजें होती हैं। आज आप देखिए 50 साल वाले भी, जैसे आप लोग यहाँ सुबह क्लास करते हैं, आप लोग यहाँ क्लास करते हैं ना, सुबह आपका सेशन चलता है, साइमल्टेनियसली जो हम बहने हैं, चाहे हम डेडिकेटेड हैं और जो चाहे यहाँ के इनमेट्स हैं, सभी सभी के सभी हमारा नीचे डेली वर्शन होता है। उस डेली वर्शन को हम रोज सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? दिस इज द फूड फॉर द माइंड, दिस इज द फूड फॉर द सोल। वो हमको रोज मिल जाता है, रोज सुबह सुबह खा लेते हैं तो सारा दिन वो काम करता रहता है, इसीलिए ये ज़रूरी है। तो अगर मुझे अपने आप को ठीक करना है, जैसे आपने कहा, और बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे ज्ञान और योग दोनों ही चीज़ें चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? ओके फाइन, थैंक यू वंस अगेन एंड ओम शांति।